Hi everyone, I hope all of you are doing well, and I would like to welcome all of you on our platform Let's Dream Together. Myself Vaishali, and I have cleared CTET 4 times and DSSB TGT Natural Science in my first attempt. So in this video I am going to share my book list जो कि मैंने use की थी अपने general paper 1 के लिए. And this book list will be helpful for all the three levels. Either you are appearing for primary level, trained graduate teacher or a postgraduate teacher. So, इस वीडियो को एंड तक देखना मत छोड़िएगा. Please keep continue it. So, first, in this video I am going to share top 5 books जो कि आपको use करनी चाहिए general paper के लिए. If you are a student जो कि सिर्फ 5 books तक ही stick रह सकता है, then आप अगर ये book अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा कि आप out of 100 70 score ना करें. सिर्फ condition ये है, आपको सिर्फ इन्हीं 5 books के साथ stick रहना पड़ेगा जब तक exam नहीं हो जाता है, and you need to revise all those 5 books for multiple times. So for English I will prefer आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 कंप्लीट कीजिए, अच्छे से कीजिए. इसके बाद नेक्स्ट बुक आती है हिंदी की, ये है, इसका नाम है वास्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, जो कि इसमें बहुत सारे MCQ मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए और कंसेप्ट भी मिलेंगे. तो ये बुक बेस्ट है टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो अभी आने वाले हैं 2022 में. नेक्स्ट बुक इज़ फॉर मैथमेटिक्स जो कि है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये है RS अग्रवाल की. एस चांद की बुक आती है जो कि SSC लेवल के प्रीलिम्स तक का कवर करती है सिलेबस, एंड आपके एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी लाभदायक होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी. इफ़ यू आर फॉलोइंग इट रिलीजियसली, बिल्कुल पूरा ध्यान से इसी के साथ स्टिक रहते हैं जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे. नेक्स्ट बुक इज़ फॉर रीजनिंग, दिस इज़ अ बुक, एंड ये बुक हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रेफर की जाती है, एंड दिस इज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाई डॉक्टर RS अग्रवाल. एस चांद पब्लिकेशन की ये बुक है. और इस बुक के बाद नेक्स्ट फॉर जनरल नॉलेज यू कैन फॉलो दिस अरिहंत बुक, इसका लेटेस्ट एडिशन आप ले सकते हैं. और ये बुक आप तभी फॉलो करें, सिर्फ एक ही कंडीशन पे फॉलो करें, इफ़ यू हैव लिमिटेड टाइम, इफ़ यू हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, देन गो फॉर दिस बुक. अदरवाइज व्हाट यू नीड टू डू, 6th to 10th की जो NCERT की सोशल साइंस की बुक्स होती हैं आपको वो रीड करनी चाहिए, मस्ट हैं बिल्कुल, अगर आपके पास टाइम है तो. और इसका रीज़न क्या है मैं ये बताने वाली हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में. एक मैं वीडियो का लिंक पिन करूँगी जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स का रिव्यू क्या है GK को लेके. अभी फ़िलहाल में रेलवे का NTPC का एग्ज़ाम हुआ था Tier 2, जिसमें बच्चों का रिव्यू मिला है, और वो रिव्यू आप ज़रूर देखिएगा. आपको कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, फिर आपको पता चलेगा इम्पोर्टेंस ऑफ NCERT की इम्पोर्टेंस क्यों है. तो अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है देन गो फॉर दिस. आउट ऑफ 20 अगर आप इसको रिलीजियसली कर लेते हैं अच्छे से, तो अराउंड 10 to 12 मार्क्स आप ईजिली स्कोर कर पाएंगे इन दिस सेक्शन. एंड फॉर करंट अफेयर्स स्पेशली DSSB ऑल दोज 3 लेवल्स प्राइमरी TGT एंड PGT, देर इज़ अ चैनल वे टू सक्सेस जो कि अपना वीकली करंट अफेयर लेके आते हैं वीडियो. उन्होंने लास्ट 1 ईयर से ही स्टार्ट किया है, एंड दैट चैनल इज़ यू कैन नॉट इट इन योर नोटबुक वे टू सक्सेस. इनका करंट अफेयर का जो वीकली करंट अफेयर की वीडियो आती है काफ़ी अच्छी रहती है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेस्ट सोर्स है अगर आप करना चाहें तो. इस तरह से आप अपने जर्नल पेपर को कवर कर सकते हैं विदाउट एनी कोचिंग. एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. अब इन अपकमिंग वीडियोज़ आई एम गोइंग टू शेयर टॉपिक वाइज सोर्सेज, फ्री सोर्सेज ऑन YouTube, जिससे आपको कोचिंग ना लेनी पड़े, आप YouTube पे फ्रीली ये 5 सब्जेक्ट्स कवर कर पाएँ. तो जुड़े रहे और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू, हैव अ गुड डे.